विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न पार्टियों द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की जा रही है। वहीं पीतलनगरी में सपा द्वारा हाजी रिजवान को टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया। जी हां, समाजवादी पार्टी के कुंदर की विधायक रहे हाजी रिजवान ने टिकट कटने के बाद आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दर्ज कराया। वहीं मीडिया से बात करते हुए हाजी रिजवान ने बताया कि समाजवादी पार्टी ने उनकी 25 साल की मेहनत को नकारा है और उनका टिकट काटकर बाहर के प्रत्याशी को दे दिया है। फायदा तो मेरी जनता मुझे फायदा दे रही है। 4 बार से मुझे विधायक पहले बनाया, कोई नया थोड़ी हूँ। मैं तो इस मैदान का पुराना खिलाड़ी हूँ। ये पिच मेरी तैयार करी हुई है। मुझे मालूम है किस बार टर्न लेगी और किधर को 2 रन जाएंगे और किधर को 4 रन जाएंगे। अच्छा, रिजवान साहब इतने दिनों से मेहनत कर रहे थे, आखिर ऐसा क्यों हुआ जो आपका टिकट काटा गया? भाई हाईकमान जाने क्या होगा, बुना कोई पता नहीं कौन सी हमारी वफादारी में कमी रह गई। नहीं, टक्कर कोई टक्कर नहीं है उसकी। जिया और रहमान क्या चीज़ है, वो तो पोता थोड़ी, वो तोता है। वो तो असली मुकाबला तो डॉक्टर बर्क से है और इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। डॉक्टर बर्क को भी हमने पैदा किया है। हमारी विधानसभा उनकी लोकसभा में आज 5 बार आई है। जब वो मवाद से सांसद होते थे तब भी हमारी विधानसभा उसी में रहती थी। जब वो संबल के सांसद बने तो हमारी विधानसभा संबल लोकसभा में हमारी विधानसभा रहती थी। कुंदर की इधर भी रही है, कुंदर की उधर भी रही है। 5 बार से लगातार उन्हें सांसद बनाने का हमारी विधानसभा ने काम किया है। उन्होंने शफीकुर रहमान वर्क के पोते को तोता तक बोल डाला और हाजी रिजवान ने बताया कि कुंदर की विधानसभा के बीच उनके हाथ में है और उन्हें पता है कि किधर चौका मारना है, किधर छक्का मारना है।